टोड़ा जनजाति, अब देखिए कुछ जनजाति आपके सामने है, टोड़ा जनजाति नोट करना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी में मिलती है। कहां मिलती है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। और ये कहां पर मिलती है? तमिलनाडु के अंदर मिलती है। अब इसमें होता क्या है तो मेरे दोस्तों, ये जनजाति फेमस है बहुपति विवाह के लिए। हाँ भाई साहब सुन लो, बहुपत्नी नहीं, बहुपति विवाह के लिए फेमस है। तो टोड़ा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में मिलती है दोस्तों, और बहुपति विवाह मतलब एक से अधिक पति, इसके लिए दोस्तों ये फेमस है। बकरबाल जनजाति ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जम्मू कश्मीर में मिलती है। गुज्जर बकरवाल जनजाति, कौन सी? अरे मेला चल रहा है, गुज्जर बकरवाल जनजाति ये मिलती है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और भाई साहब जारवा जनजाति ये अति महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार में मिलती है जारवा जनजाति। नोट कर लो, जारवा कहां मिलती है? अंडमान निकोबार में मिलती है। आगे देखिएगा, मोपला जनजाति लगा दो कतई जहर दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखना, अब देखो तुम्हें अगर इतना याद है ना कि मोपला जनजाति केरल में मिलती है, तो तुम ये कर दोगे कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था? भाई साहब इतिहास में केरल में हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। तो इसे भी ध्यान रखना, इतिहास में मोपला विद्रोह कहां हुआ? ये हुआ है दोस्तों केरल में। कुकी जनजाति ये मणिपुर में मिलती है, कहां मिलती है? कुकी जनजाति मिलती है दोस्तों मणिपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रियांग ये बड़ी चर्चा में दोस्तों, ब्रू रियांग, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रू रियांग। ये वर्तमान में किस राज्य में निवास कर रही है? तो लिख लो त्रिपुरा के अंदर। ये भी बड़ा गजब का कतई जहर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने ब्रू रियांग जनजाति को किस राज्य में दोस्तों प्रवेश की अनुमति दी है? तो ध्यान रखना त्रिपुरा राज्य के अंदर।